दोस्तों, जब भी मैं किसी सियारे पर एलियंस के प्रूफ पर वीडियो बनाता हूं, तो बहुत सारे लोग वीडियो देखने के बाद नीचे कमेंट्स करते हैं कि एलियंस के सबूत कहां हैं। आपने ना एलियंस दिखाए ना उनके सबूत दिखाए। असल में वो लोग एलियंस की पिक्चर या वीडियो को देखना चाहते हैं, जो पॉसिबल नहीं है। हमारी स्पिन से हजारों लाइट ईयर दूर अगर किसी सियारे पर एलियंस हुए भी, तो हम उन्हें नहीं देख सकते, क्योंकि उनको देखने की टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं है। हम उस सियारे के एटमॉस्फेयर को स्टडी कर सकते हैं, लेकिन हम उस सियारे के अंदर नहीं देख सकते। इसीलिए अगर किसी सियारे पर एलियंस हुए भी, तो हम उसे नहीं देख सकते। तो अभी यहाँ सोचने वाली बात यह है कि एलियंस के सबूत से क्या मुराद है। साइंसदान क्यों कहते हैं कि हमें एलियंस के सबूत मिल गए हैं, तो मैं आपको बता दूं, अगर किसी सियारे पर छोटे से छोटा बैक्टीरिया भी मौजूद है, तो वो हमारे लिए एलियंस है। अगर किसी सियारे पर हमें दरख्त भी मिल जाता है, तो वो भी हमारे लिए एलियंस है, क्योंकि आज तक हमें जमीन के अलावा किसी भी सियारे पर एक भी दरख्त नहीं मिला। और अगर हमें किसी सियारे पर ऑक्सीजन या वो गैस मिलती है जो हम इंसानों के लिए जरूरी है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर लाइफ की पॉसिबिलिटी के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, यानी इस सियारे पर लाइफ पॉसिबल हो सकती है, क्योंकि ऐसे ही एटमॉस्फेयर में लाइफ पॉसिबल हो सकती है। इसके अलावा अगर किसी सियारे पर ऐसा कोई स्ट्रक्चर मिल जाए जिसे देखने से ऐसा लगे कि इसे किसी इंसान ने बनाया है, तो सीधा शक इस बात पर जाता है कि ये चीज किसी एलियंस ने बनाई है, जो एलियंस के प्रूफ होने का सबूत देती है। जैसे मार्स पर हमें बहुत सारी ऐसी चीजें मिली हैं, जिनको देखने से ऐसा लगता है कि जैसे इन्हें इंसानों ने बनाया है। पहली बार तो ये चीज मार्स पर मासी में एलियंस लाइफ के होने का सबूत दे रही थी, लेकिन जब इन्हें मजीद स्टडी किया गया, तो पता चला कि ये सिर्फ एक इल्यूजन था और कुछ नहीं। मार्स की बात करें, वहाँ पर हमें पानी के सबूत मिले हैं, जो इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि अरबों साल पहले यहाँ लाइफ हुआ करती थी, और आज भी मार्स पर पानी बर्फ की फॉर्म में मौजूद है। ये बर्फ इस बात की तरफ इशारा करती है कि इस बर्फ के नीचे पानी मौजूद हो सकता है, जिसके अंदर लाइफ भी पॉसिबल हो सकती है। तो इससे ये कहा जा सकता है कि मार्स पर जिंदगी के आसार मिल गए, यानी मार्स पर पानी के अंदर लाइफ पॉसिबल हो सकती है। ये बात आप जान लें कि किसी भी सियारे पर लाइफ की तलाश के लिए तीन चीजों को देखा जाता है। पहली चीज है पानी। पानी जिंदगी के लिए बहुत ज्यादा अहम है, इसके बगैर लाइफ पॉसिबल नहीं हो सकती। जमीन पर जितने भी जानदार हैं, उनमें ज्यादातर पानी पर ही जिंदा रहते हैं। इसके बगैर हम इंसान या कोई भी जानदार जिंदा नहीं रह सकता। दूसरी चीज है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, जिसकी मदद से हर इंसान और दूसरे सभी जानदार सांस लेते हैं, पानी के बाद ऑक्सीजन जिंदगी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर ऑक्सीजन ना हो, तो हम इंसान एक सेकंड के लिए भी जिंदा नहीं रह सकते। आखिरी चीज है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। नासा और दुनिया की दूसरी स्पेस एजेंसी इन तीन चीजों को सामने रखते हुए दूसरे सियारों पर लाइफ को ढूंढती है। अगर इन तीनों में से कोई एक चीज भी हमें किसी सियारे पर मिलती है, तो हमें लगता है कि वहाँ लाइफ मौजूद है, क्योंकि ये तीनों चीजें लाइफ की तरफ इशारा करती हैं, जो हमारे लिए बहुत बड़ा सबूत है। मार्स पर हमें जो लाइफ के लिए सबूत मिले हैं, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड के ही हैं। क्यूरियोसिटी रोवर ने गेल क्रेटर में ऑर्गेनिक कार्बन के सबूत को डिटेक्ट किया है। ऑर्गेनिक कार्बन में कार्बन हाइड्रोजन एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। ये कंपाउंड्स लाइफ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं, यानी यहाँ पर ये कंपाउंड मौजूद हैं, वहाँ लाइफ की मौजूदगी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी माने जाते हैं। जितने सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं, वो इन्हीं कंपाउंड से मिलकर तैयार होते हैं। हमारी बॉडी भी हाइड्रोजन से मिलकर बनी है। मार्स के गेल क्रेटर में मिले ऑर्गेनिक कार्बन कंपाउंड्स लाइफ के दो मुख्तलिफ पॉसिबिलिटीज को जाहिर करते हैं। पहली पॉसिबिलिटीज ये है कि मार्स की सरफेस में अभी भी कहीं लाइफ मौजूद है, जिससे ये ऑर्गेनिक कंपाउंड बने हैं। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि वहाँ लाइफ मौजूद तो थी, लेकिन इस वक्त वो खत्म हो चुकी है। साइंसदानों का कहना है कि इन कार्बन कंपाउंड का मिलना इस बात की तरफ इशारा है कि 8 से अरबों साल पहले वहाँ लाइफ मौजूद थी। पहले हमारा सिर्फ अंदाजा ही था कि मासी में मार्स पर लाइफ मौजूद थी, लेकिन अब हमारे पास सबूत हैं, जो इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि मासी में मार्स पर लाइफ मौजूद थी। ये बात आप जान लें, जिस पेट्रोल का इस्तेमाल हम करते हैं, वो भी एक तरह का हाइड्रोकार्बन है, जिसकी फॉर्मेशन डिफरेंट स्ट्रक्चर वाले कार्बन कंपाउंड और हाइड्रोजन के मिलने से होती है। ठीक इसी तरह से मार्स पर मिले हाइड्रोकार्बन भी खत्म होने वाली जिंदगी के सबूत हो सकते हैं, लेकिन एक ही चीज की दरियाफ्त से ये नहीं कहा जा सकता कि वहाँ लाइफ मौजूद थी।
इस बात का पूरी तरह से साबित करने के लिए हमें कुछ और प्रूफ्स की जरूरत पड़ेगी। कई साइंसदान का कहना है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड नॉन लिविंग बींग्स या किसी और चीज से भी प्रोड्यूस हो सकते हैं, इसीलिए ये बात कहना थोड़ा मुश्किल है कि मार्स पर मिले ये हाइड्रोकार्बन मार्स पर जिंदगी की मौजूदगी की तरफ इशारा करते हैं। इनकी मौजूदगी की कुछ ऐसी भी वजूहात हो सकती हैं जिनका जिंदगी से कोई लेना देना नहीं है, जैसे वोल्केनिक एरप्शन और मेट्रोड की टक्कर से भी ये कार्बन बन सकते हैं। इस बात को लेकर साइंसदान अपनी मुख्तलिफ राय देते हैं, जिनमें कुछ साइंसदानों का ये मानना है कि बेशक इस वक्त मार्स पर लाइफ को स्पॉट करने का एनवायरनमेंट नहीं है, लेकिन ये एनवायरनमेंट मार्स में मौजूद था जिसमें लाइफ मौजूद थी, और शायद आगे भी हम कोई ऐसा तरीका ढूंढ निकालेंगे जिसमें वहाँ पर रहा जा सके और ये सियारा हमारी जमीन की तरह हो जाएगा। लेकिन कुछ साइंसदान ऐसे हैं जिस बात पर यकीन रखते हैं कि मार्स पर मार्सी में ऐसी कोई कंडीशन नहीं थी जिसमें लाइफ मौजूद हो, यानी उनके मुताबिक मार्स पर लाइफ मौजूद नहीं थी और ना ही कभी फ्यूचर में हो पाएगी। लेकिन साइंसदान मार्स पर जिंदगी के सबूत को ढूंढने में दिन रात कर रहे हैं और आए दिन ऐसी डिस्कवरीज होती रहती हैं जो हमें हैरान कर देती हैं। आप इसके बारे में क्या कहते हैं नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। इसके बाद बात करते हैं जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की, जिसके ऊपर मैं ऑलरेडी दो बहुत ही अमेजिंग वीडियो बना चुका हूं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो जल्दी से जाकर देखें, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसने वास्प 96P सियारे को स्टडी किया जो हमारी स्पिन से 1150 लाइट ईयर दूर है, और इसने उसके एटमॉस्फेयर का एक ग्राफ बनाया। उस ग्राफ के मुताबिक इसके एटमॉस्फेयर में मौजूद बादलों में पानी मौजूद है, यानी यहाँ पर पानी मौजूद है, और जैसे कि आपको पता है यहाँ पानी ज्यादा हो वहाँ लाइफ के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। पानी के अलावा वहाँ पर ऑक्सीजन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड के मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड के मिलने के चांसेस 90% हैं। तो ये कहा जा सकता है कि फ्यूचर में मार्स और टाइटन के बाद ये सियारा लाइफ के लिए हैबिटेबल हो सकता है या फिर ऑलरेडी हो, जिसके 90% चांसेस हैं। पहले भी इस सियारे को स्टडी किया गया है, लेकिन इसके एटमॉस्फेयर के बारे में हमें कुछ ज्यादा नहीं पता था, और ये पहली बार था जब किसी सियारे के एटमॉस्फेयर के ग्राफ बनाए गए हों और हमें पता चले कि वहाँ पर पानी मौजूद है, जो हमारे लिए बहुत बड़ी डिस्कवरी है। इसके अलावा जेम्स स्पेस टेलीस्कोप कई ऐसे सियारे को स्टडी करने वाला है जो अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में आते हैं। यहाँ पर पानी, पहाड़ और दरख्त हो सकते हैं, और हाल ही में जेम्स स्पेस टेलीस्कोप ने हमारे करीबी सोलर सिस्टम में मौजूद प्रोक्सिमा सेंटोरी बी सियारे पर आर्टिफिशियल लाइफ को नोटिस किया है। जब उसने इसे स्टडी किया तो साइंसदानों के होश उड़ गए। आखिर उसने वहां क्या देखा, ये अमेजिंग इन्फॉर्मेशन आप जानोगे नेक्स्ट वीडियो में, जो बहुत ज्यादा अमेजिंग होने वाली है। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करने के साथ साथ आगे भी शेयर करें। मिलते हैं एक और अमेजिंग वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।